आज का हमारा टॉपिक है जीएसटेट। तो आइए अब हम इसका एक सामान्य सा परिचय देख लेते हैं। इसका पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटेट एवं राज्य स्तर पर इसकी पीठ बनाने की शक्ति प्रदान करता है। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ यानी नेशनल बेंच ऑफ जीएसटेट बनाई है। जीएसटेट जीएसटी कानूनों में दूसरी अपील का मंच है। यह केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद समाधान का प्रथम सामूहिक मंच यानी फर्स्ट कॉमन फोरम है। जीएसटेट की राष्ट्रीय पीठ नई दिल्ली में स्थित है। तो आइए अब हम जीएसटेट की राष्ट्रीय पीठ की संरचना देखते हैं। इसमें एक अध्यक्ष एवं दो तकनीकी सदस्य होंगे। इसका अध्यक्ष न्यायिक सदस्य होगा। केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति के परामर्श से अध्यक्ष की नियुक्ति करेगी। दो तकनीकी सदस्यों में से एक सदस्य केंद्र सरकार एवं दूसरा सदस्य राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। राष्ट्रीय पीठ के न्यायिक सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सदस्य की सलाह पर की जाएगी। केंद्र सरकार चयन समिति यानी सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति करेगी। तो आइए अब हम जीएसटेट के कार्य और कानूनी प्रावधान देखते हैं। यह केंद्र एवं राज्य जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा जारी आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम CGST एक्ट में जीएसटी प्रशासन के अंतर्गत विवाद समाधान हेतु अपीलीय और समीक्षा तंत्र की व्यवस्था है। CGST के अध्याय 18 की धारा 109 में केंद्र सरकार को जीएसटी काउंसिल की सिफारिश के आधार पर अपीलीय प्राधिकरण के गठन की शक्ति प्राप्त है। यह अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करेगा। यदि हम जीएसटेट के महत्व की बात करें तो इसके द्वारा जीएसटी के अंतर्गत उत्पन्न हो रहे विवादों के समाधान में एक रूपता होगी और पूरे देश में जीएसटी को समान रूप से कार्यान्वित किया जा सकेगा।